हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ BGMI खेलने। नूबड़ा नंबर वन, तो मैं जा रहा हूँ अब की बार ऊपर वाले आइलैंड पे जो कि उड़ता है, तो उस पे जाके हम वैसे भी क्या उखाड़ने वाले हैं, तो हम चलते हैं जल्दी से। और फिर मैं यहाँ पर उतर रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अरबों लोग यहाँ पर आ गए हैं और अरबों लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमें मिल ले रहा था गर्मी मिल गई। और वैसा ही होता है बिल्कुल सेम सेम। और इस बंदे को सामने वाले से गन मिल जाती है, मेरे पास गन ही नहीं होती है, तो मैं इससे घूसे मारने की ट्राई करता हूँ कि घूसे से मार दूँ उसको। पता नहीं क्या है इसका टट्टी सा एम होता है कि मुझे गन से भी नहीं मारता है बहुत देर तक। तो मैं इसे घूसे से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं मार पाता हूँ। और फिर मेरे लिए उतारते हैं ये लोग स्टेलवर में, जो कि बहुत दूर है। यहाँ पर कौन उतारता है रे, इतनी दूर उतार दिया बे। अब मैं यहाँ पर ये दो तीन घर होते हैं छोटे छोटे, तो इनमें लूट वूट करता हूँ क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं। इतनी दूर तो उतारा है हमको, हमें एक सारन मिलती है क्योंकि नली गन है। तो मैं कोई और सी एयर गन ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे UMP-45 मिल जाती है, जो कि पहले UMP-9 थी। तो हम ऊपर जाते हैं। तो पहले UMP-9 बहुत अच्छी थी लेकिन अभी ये तो हक दिया है UMP-45 में। इसकी आवाज़ ही पुधर पुधर है, पता नहीं कैसी आवाज़ है इसकी। तो हम यहाँ से निकलते हैं और ये सामने वाले घर में ये आस लेके जाते हैं कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक एक एम मिल जाती है हमको। तो हम कहते हैं कि उधर से जल्दी से Mini-14 भी ले लेंगे हम, क्योंकि Mini-14 रखेंगे वो ज़्यादा बढ़िया गन है। लॉन्ग रेंज में भी हमारे पास गन रहेगी और मीडियम में तो नहीं रहेगी खास, तो मीडियम में मिनी चल जाएगी वैसे। और शॉर्ट में तो आई है कि हम दमदार एकदम जहर वाली गन। मुझे पता नहीं अटक गया पागल कहीं का। तो मैं नीचे जाता हूँ जल्दी से, और नीचे जाके मैं उस वाले घर में जाता हूँ Mini-14 उठाने, क्योंकि Mini-14 इज़ अ गुड गन। उसमें मैं 8x भी लगा लूँगा जल्दी से अगर मिले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे और 7.62 मिल जाती है, और यहाँ मेरा गोली का क्वाटा तो पूरा हो जाता है। जितनी गोलियाँ हमें चाहिए होती हैं एक गेम खेलने के लिए उतनी गोलियाँ हमारे पास होती हैं। यहाँ पर एक बॉट आ जाता है, उस बॉट को मार देते हैं और ये KD मेंटेन करवाने में मदद करेगा ये बॉट हमारी। अब यहाँ से अब चीटियों वाली आवाज़ लगा के और सुपर स्पीड में मैं इधर आता हूँ ये बग्गी लेने। और यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि मैप में भी जाना है जो कि बहुत दूर है। अब मैं इधर साइड आता हूँ, यहाँ पर पता नहीं तीन जानवर स्पॉन होते हैं पता नहीं कहाँ से। मुझे इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि खाली मुली हेल्थ ले जाते हैं और चार पांच टोकन देते हैं बस। तो मैं वहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर गैस की पीपिया होती है और मैं ये उठा लेता हूँ क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो मैं इसे बेच दूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा एकदम अंबानी। और यहाँ पर हमें दिखता है एक बॉट, बिल्कुल नहीं छोड़ते, एक एम से मार देते हैं इसको जल्दी से। अरे तो मुझे लगता है ये नहीं मरता है लेकिन मेरा नेट हक देता है, लेकिन तो ये मर जाता है। तो मैं इससे लूट वूट लेता हूँ, अपनी बग्गी लेके जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ मैप की तरफ, फिर से वहाँ आऊँगा जिससे मैप में कहीं पर फंस ना जाऊँ। अब मैं भग भगा के यहाँ पर अपनी गाड़ी चेंज करने आता हूँ क्योंकि गाड़ी चेंज करना बढ़िया रहता है। और इसी टाइम पीछे से गोलियाँ चलती हैं और मेरे लिए प्रतीत होता है कि वहाँ पर बंदे हैं। तो मैं चल रहा हूँ अपनी बग्गी लेके, लेकिन मुझे यहाँ से जाते वक्त तो कोई नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ आराम से। और फिर मेरे सामने दिखता है एक जीप जिसमें मैं बैठ जाता हूँ ऑब्वियसली। और फिर वो दोनों फिर से फायर करते हैं और इस बार तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ
आज मेरा दिमाग हट गया, आज तो मैं एक कार को पिचका के ही जाऊंगा। तो वो सामने गोलियां चला रहा होता है, तो मैं कहता हूँ आज तो पिचका दूंगा उसको। पता नहीं कैसे मैं एक के ऊपर चढ़ा देता हूँ गाड़ी, मुझे भी दिखाई नहीं पड़ता है। मैं उस क्रेट के ऊपर, उस क्रेट के ऊपर से मैं गाड़ी ले जाता हूँ, तो मर जाता है पता नहीं कैसे। मैं उसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, कभी कभी तो पूरा का पूरा ऊपर चढ़ा दो तब भी नहीं मरता है। अब पता नहीं कैसे मर गया, लेकिन हम जल्दी से यहाँ से जाते हैं। अब भड़बड़ा के अपनी गाड़ी चेंज करके मैं इस घर पे आता हूँ टोकन ढूंढने, क्योंकि मेरी मिनी 14 में अभी भी रेड डॉट ही लगा हुआ है। इससे हम भटे की स्नैपिंग करेंगे, और इसलिए यहाँ पर मुझे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से मैं सामान मंगा सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे पेन वन किलर मिल जाता है, थोड़ा हेल्थ का सामान जो कि जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। और मैं जल्दी से यहाँ पर एक 4x मंगाता हूँ, जिससे मैं अपनी गन का पूरा लुत्फ़ उठा सकूँ। और इसमें मैं जल्दी से अपना 4x लगा लेता हूँ, और सामने की तरफ देखता हूँ कोई बंदा वंदा तो नहीं, बस चेक करता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना पावर ओवर अप लगाता हूँ, और फिर जल्दी से हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और मैं यहाँ से पेन किलर मंगाने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो ऑर्डर के लिए समय नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हमने 4x ऑर्डर कर दिया, तो और हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक रेड बुल मिल जाती है, जो कि मैं उठा लेता हूँ। रेड बुल वैसे तो ब्लू होती है, मेरे लिए नहीं पता, छोड़ो उसको। तो मैं जल्दी से यहाँ पर से खेतों में से निकलता हूँ, और यहाँ से चलते हैं जल्दी से। और फिर मैं अपनी गाड़ी को स्पीड में भगा के यहाँ पर लेके आता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिखती है एक डासिया, जिससे मैं बचा के निकालता हूँ। और पीछे से एक बंदा गोली चलाता है, जिसको देख के मेरे बिल्कुल पैर लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कि मैं ऊपर चला जाऊँ जल्दी से उस आइलैंड पे। तो मैं यहाँ पर रोकता हूँ और जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर हम उड़ते हुए निकलते हैं सीधे उस आइलैंड पे। और यहाँ पर पता नहीं क्या सस्ते नशे होते हैं, और पता नहीं अजीब सी चीज़ हो जाती है। तो हम ये वैसे तो मशीन गन वाली बने हैं, बहुत बढ़िया है ये तो, लेकिन यहाँ पर कोई होता ही नहीं है मारने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्रिस्टल विस्टल इकट्ठे करता हूँ थोड़े बहुत, यहाँ पर कोई होता ही नहीं है जिसको मैं मार सकूँ। नीचे बस वो बंदा होता है, वो भी होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है उसको। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान उठाता हूँ, क्रिस्टल विस्टल लेता हूँ। और इधर उधर भाग रहा होता हूँ मैं, और एकदम आइलैंड डिसअपियर हो जाता है यहाँ से। और मैं नीचे उतर जाता हूँ मिलिट्री बेस के एक पुल की तरफ, और मैं यहाँ पर ऊपर उतरने की कोशिश करता हूँ कि मैं सीधे ब्रिज के ऊपर उतर जाऊँ, और यहाँ पर खड़ा होकर ऊपर कैंपिंग कर लूँ। लेकिन वो पता नहीं क्या उनसे नशे करके आया है, मेरा कैरेक्टर उतरता ही नहीं वहाँ पर, और बाकी नीचे साइड फिर से उतर जाता है। मुझे लग रहा था ये चोट खाएगा, लेकिन नहीं खाई। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर इधर उधर देखते हैं कि भैया ये कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ से उतरना ही पड़ता है, क्या ही करेंगे यहाँ पर। तो मैप देखिए कितने दूर बना, और हमारे लिए यहाँ पर उतारा कहते हैं। और मुझे ऐसे ही यहाँ पर से जाते हुए एक बंदा दिखता है, जो कि ड्रॉप रूट से आ रहा था, पता नहीं ड्रॉप ड्रॉप लूट रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं इसे जल्दी से मिनी 14 से ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर उसकी पेटी बजाते हैं, देखते हैं क्या। और फिर वहाँ से भाग के आने के बाद मैं उसकी पेटी चेक करता हूँ, और उसकी पेटी में पता नहीं कैसे कैसे हथियार होते हैं। एक मोजी नेगेंड होती है, और 8x पड़ा होता है, और M16A4 चला होता है, पता नहीं किसके लिए। लगता था ये प्रो था बंदा, पता नहीं मेरे लिए तुम्हारे नहीं पाया, पता नहीं क्या कर रहा था ये बंदा। तो हमारे लिए फिर से एक बार बिल्कुल मैप के साइड में फेंका है, पता नहीं क्यों, लेकिन
हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से ताकि हम मैप में पहुँच सकें। पहले तो लग रहा था कि इस बार मैं मैप में भी नहीं पहुँच पाऊँगा, इधर ही मर जाऊँगा। तो मैं यहाँ से फोरेक्स तो मिल ही गया था, तो मैं यहाँ से ड्रम मैग मंगा लेता हूँ और एक अपना पेन किलर मंगा लेता हूँ और यहाँ से जल्दी से उठाते हैं और निकलते हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्या सस्ते नशे होते हैं, और मेरी गलती से शील्ड लग जाएगी यहाँ पर मेरी गलती से शील्ड लग जाएगी पता नहीं क्यों। और आगे मेरे पास शील्ड होती तो काम हो सकता था। और मैं जल्दी से पहाड़ चढ़ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं देखता हूँ कोई व्हीकल मिल जाए मुझे। और वहाँ पर एक स्कूटर पड़ा होता है जिसके तीनों टायर फटे हुए होते हैं, उसमें टायर ही नहीं होते हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ा पेंट लगाता हूँ और जल्दी से यहाँ से चलने लगते हैं। मैं यहाँ से चलते चलते ही एक बॉट को भी चिल मचती है हमारे पीछे स्पॉन होने की, तो हम भी उसे मारने का एक शुभ कार्य कर लेते हैं जल्दी से। तो इस बॉट को हम मार के इसका किल लेके यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अब मैं भाग के मैप की तरफ से इधर आ जाता हूँ इस पहाड़ पे, और ये यहाँ पर चलता रहता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि कोई हो, वैसे ये जगह तो बहुत अच्छी होती लेकिन ये मैप में ही नहीं होती है। अब मेरे लगता है ये पहली वाली जगह थी। अब भागते भागते हम यहाँ पर आते हैं और सामने के पहाड़ पे बंदे होते हैं, चारों तरफ बंदे, इधर से मैं क्या करूँ मैं। और वहाँ पर उस पहाड़ पे भी बंदे होते हैं, तो मैं यहाँ पर पत्थर के पीछे छुप के देखता हूँ। और मेरे मिनी में अभी भी 4x लगा होता जबकि मेरे पास 8x होता है, कितना ज़्यादा अजीब बात है। यहाँ पर 4x लगा रखा है मैंने, तो मैं जल्दी से यहाँ पर 8x लगाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखता है क्योंकि इधर साइड कोई होता ही नहीं, आगे भाग जाता है वो बंदा। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलने लगता हूँ क्योंकि मैप भी आ रहा था मेरे पीछे से। तो मैं यहाँ तर आ गया हूँ, यहाँ पर लेटा होता हूँ क्योंकि मैप खुले में होता है, सिर्फ वो एक ही दो घर होते हैं मैप के अंदर। उधर साइड भी एक बंदा होता है जो कि फाइट कर रहा होता है, पर मैप बहुत छोटा हो जाता है पता नहीं क्यों। और वहाँ पर एक बंदा फाइट कर रहा होता है, मुझे दिखता है वो, लेकिन जरा सी झलक दिखती है, उसके बाद वो गायब ही हो जाता है, बाद में मुझे दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया ये बंदा। मैं तो बहुत ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बंदा नहीं मिलता है, तो मैं अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैप के अंदर जाना था, क्योंकि मैप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज देगा और हम मर भी सकते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है और मैं उस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ। अब वो जल्दी से शील्ड लगा लेता है यहाँ पर, और मैंने तो अपनी शील्ड उधर ही छोड़ दी लगा के। और यहाँ पर मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उधर साइड से कोई बंदा इसको M24 से मार देता है, इसकी खोपड़ी चटका देता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर हेल्थ किट लगाता हूँ और वही बंदा मुझे भी मारेगा अभी देखना आप। और ये चटका दी मेरी खोपड़ी इस बंदे ने, ये देखिए ये ले। To the mouth. Nice.